अरे भाई, मैं रोज बजरंग बाण का पाठ करता हूँ, पर कुछ समय से मुझे शरीर में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों? मैं अभी इसका जवाब बता देता हूँ, पर सबसे पहले तू ये बता कि ये पाठ तू कोई हेतु से कर रहा है या मात्र अनुभव के लिए? नहीं भाई, मैं तो बस ऐसे ही मात्र अनुभव के लिए ही करता हूँ। मेरे भाई, इसीलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बजरंग बाण की रचना तब की थी जब उनकी जान पर बनाई थी। बजरंग बाण एक ब्रह्मास्त्र की तरह है, ये तुरंत ही काम करता है, इसीलिए इसे रोज नहीं किया जा सकता। तो भाई, बजरंग बाण हमें कब करना चाहिए? मेरे भाई, बजरंग बाण का पाठ तभी ही करना चाहिए जब हमारी जान पर संकट आ जाए, या कोई नेगेटिव एनर्जी हमें सता रही हो, अथवा सारे दरवाजे जब बंद हो जाए तभी ही हमें बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, क्योंकि इसमें हनुमान जी को स्वयं श्री राम की कसम दी जाती है। इसीलिए मात्र अनुभव के लिए बजरंग बाण का पाठ कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर तुझे नियमित पाठ करना ही है तो तू हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। अब समझा मेरी बात? हाँ भाई, अब मैं आपकी बात बिल्कुल अच्छी तरह